मैनपुरी से चंद्रपाल शाक्य पत्रकार की रिपोर्ट। साहूकार की धमकी, पैसे दे दो वरना माँ बीवी बहन को मेरे हवाले कर दो। युवक ने 20 मई को चूमा था मौत का फंदा, पीड़ित परिवार ने एसपी से न्याय की मांग। मुख्यमंत्री से भी की जा चुकी शिकायत, फिर भी नहीं मिला न्याय। मैनपुरी, एक साहूकार की दबंग गई, मेरे पैसे जल्दी वापस कर दो नहीं तो अपनी माँ बहन पत्नी को मेरे हवाले कर दो। यह बेइज्जती सहन न कर पाने पर एक युवक ने अपने घर के पंखे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इलाका पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, इसलिए पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से गुरुवार को शिकायत की और न्याय मांगा है। थाना कोतवाली कुरावली क्षेत्र के ग्राम खिचौली निवासी निधि राठौर पत्नी स्व पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में बताया है कि प्रबल प्रताप सिंह पुत्र अरुण प्रताप सिंह निवासी मझोला थाना बेवर, जो उसके गांव में ही अपनी रिश्तेदारी में रहता है, कुछ समय पूर्व उसकी पति ने अपनी जमीन गिरवी रख कर पैसे उधार लिए थे। कोरोना महामारी के कारण कुछ महीनों से उसका रुपया तथा ब्याज नहीं दे पाया। इसके चलते पिछले कुछ समय से प्रबल प्रताप ने पीड़ित के पति पुष्पेंद्र चौहान के घर जाकर गाली गलौज देता था। कई आरोपी ने कहा कि हमारे पैसे दे दो नहीं तो अपनी पत्नी माँ तथा बहन को मेरे पास भेज दो या फिर फांसी लगाकर मर जाओ। पीड़ित का पति बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुमसुम रहने लगा। उसके वह घर वालों के पूछने पर कि कुछ नहीं बताता था, अपने घर की बेइज्जती सहन न कर पाने के कारण 20 मई को दिन के 1 बजे उसने अपने कमरे में पंखा पर फंदा लगाकर फांसी लगा ली। जानकारी होने पर परिजनों ने उसे उतार कर अस्पताल कुरावली ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जिसका पुलिस ने पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिया। अंतिम संस्कार करके लौट भी नहीं पाए थे कि उस समय भी आरोपियों ने गाली गलौज और तुरंत पैसे देने का दबाव बनाया। इसकी सूचना कोतवाली कुरावली पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। पीड़ित गुरुवार को योगेंद्र सिंह, मोहित सिंह, तरुण प्रताप, काजल चौहान के साथ एसपी से मिले और न्याय मांगा। कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो पीड़ित भी आत्महत्या करने की मजबूर होंगे। क्या नाम है आपका? निधि। अच्छा, यहाँ निधि आई हो एसपी साहब के यहाँ, क्या शिकायत है? मेरे पति ने आत्महत्या कर ली, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब कुराली थाने में हमने रिपोर्ट लिखाई तो वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद यहाँ पे आए 24 को कह दिया गया आप कुराली थाने में पहुँचे, वहाँ पे आपकी रिपोर्ट दर्ज होगी, लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। आज हम फिर से आए लेकिन आज भी कोई सुनवाई नहीं। क्यों आत्महत्या की थी? कर्जा लिया था थोड़ा सा, उसके पैसे टाइम पर नहीं दे पाए थे, अभी भी टाइम बाकी था उसका, लेकिन वो रोज डेली आके हमारे घर में दबिश देता था। ये कहते था कि आप पैसे दो या अपनी माँ बहन को मेरे घर पहुँचा दो। ओहो, फिर शिकायत आज की क्या कहा है? आज उन्होंने कुछ नहीं कहा, ये कहा है कि आपकी कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है, लेकिन हमारे घर में अभी तक एक भी पुलिस वाला नहीं। अच्छा जी, कौन लोग हैं जिन पर पैसा लिया था? गांव के ही हैं। गांव के दामाद हैं। नाम क्या है? सरबल प्रताप सिंह। सरबल प्रताप सिंह, प्रबल। हाँ, तो क्या कुछ दबंग किस्म के लोग हैं क्या? हाँ जी, दबंग किस्म के। बहुत गाली देते हैं। आज एसपी साहब यहाँ आए, ये हमारी भतीजी है जी, तो ये हम दामाद ने आत्महत्या करी उस दिन, तो ये लोग बार बार गाली को घेरते थे और गाली देते थे आए इनके घर पर। इनकी एक सास है, विधवा है, ये बिटिया है जी, ननद है इनकी, तो हम लोग तो इसके चाचा आएंगे। तो ये लोग बार बार उस लड़के को तंग कर रहे थे, उसने हम लोगों को नहीं बताया तो आत्महत्या कर ली। कौन लोग तंग करते थे? बिरबल। क्यों करते थे? ये कुछ पैसा कर्ज ले लिया था, कर्ज के पीछे, कर्ज के ही चलते, दबाव के चलते आत्महत्या कर ली है। हाँ, क्योंकि वो बार बार गाली गलौज देता था आपके घर पे। कुराली थाने में गए थे? हाँ, कुराली थाने में गए, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं, पलटे जा रहे होंगे। आज क्या कहा एसपी साहब? ये कहा है जो आपकी कार्रवाई चल रही है। पुलिस प्रशासन के आप कितने दिनों से चक्कर लगा रहे हैं? मैं 20 तारीख से चक्कर लगा रही है बराबर, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, पर डे जा रही है। और इंस्पेक्टर ने यहाँ रिपोर्ट दे दी कि हम वहाँ पे गए और हमारे घर पे कोई नहीं गया अभी तक।